या आप सैमसंग गैलेक्सी A50s का वेट कर रहे हो? हाँ गाइज, ये फ़ोन आने वाला है बहुत जल्द। हाँ गाइज, इस फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है इंडिया के अंदर, और इस फोन में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में और इसके प्राइस के बारे में, क्या है इसमें इंडियन प्राइस होने वाली है A50s के बारे में। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा और जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है वो कन्फर्म हो चुका है कि सैमसंग गैलेक्सी A50s जो है वो इंडिया के अंदर आने वाला है, और आप लोग पता है M30s भी आ रहा है जो 18 सितंबर को आ रहा है, और उससे पहले ये फोन आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ इस फोन के यहाँ पे कुछ बारे में, बहुत बढ़िया फोन होने वाला है, बस प्राइस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। प्राइस सेगमेंट पहले बात कर लेते हैं। चलिए प्राइस सेगमेंट में बात करता हूँ, तो बोला जा रहा है इस फोन का जो प्राइस होगा, बेस वेरिएंट जो चालू होगा ना यार, वो बोला जा रहा है कि 22,000 रुपये से चालू होगा। बाहर की एक मतलब प्राइस जो थी वो 25,000 थी, अब इंडिया के अंदर तो मुझे नहीं लगता 25,000 में होगा लॉन्च, बट बोला जा रहा है इंडिया में 22,000 होता है तो मैं बोलूंगा यार ठीक फोन होगा, मगर 20,000 होता है तो बोलूंगा यार बढ़िया है। देन 18,000 कर देता है सैमसंग तो भाई बहुत ही बढ़िया है। लेट्स सी, बट मुझे जितना लगता है पर्सनली मेरी चॉइस, मुझे लग रहा है कि 20 से 22,000 रुपये में ये फोन आपको देखने मिलने वाला है इंडिया के अंदर। ना आप कमेंट करके बताओ आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, 20,000 में आ जाए तो ठीक ही है, जैसा A50 था वैसे ये भी आ जाएगा तो यही बात रहेगी, बट कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हैं। तो बात करते हैं कि इस फोन के यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में जो हमें इस फोन में देखने मिल जा रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कैमराज में इम्प्रूवमेंट्स हमें यहाँ पे देखने मिलने वाली है। इस बार जो इसमें मेन सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा कर दिया इस बार, एंड पिछली बार जो था वो 25 था, बट इस बार 48 मेगापिक्सल कर दिया गया है। देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, जैसा वो रहता है वैसे ही है। सेल्फी में भी अभी यहाँ पे इन्हें बहुत ही अच्छा इंप्रूव किया हुआ है, पहले 25 मेगापिक्सल सेल्फी थी इन्फिनिटी नॉच के साथ, इस बार 32 मेगापिक्सल कर दिए, तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात है। बात कर लेते हैं यार फाइनली यार इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में, कब ये लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, बिकॉज मुझे पता है बहुत वेट कर रहे हैं भाई। तो मैं बता दूं यहाँ पे सैमसंग ने दे दिया है कि 3 दिन बाद ये फोन लॉन्च हो जाएगा ए सीरीज में, मतलब उन्हें लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे अब कितने स्मार्टफोन आएंगे ये नहीं पता, बट 3 दिन मतलब अपना 8, 9, 10, 11 मतलब 11 को ये फोन लॉन्च हो जाएगा। 11 सितंबर को हमें यहाँ पे सैमसंग से A50s देखने मिलने वाला है, और यहाँ पे जो सैमसंग का A50 है वो A50s है वो बहुत ही बड़ा फ़ोन है। और हाँ, बोला जा रहा है कि यहाँ पे A30 जो है A30s उसका वाला वेरिएंट भी हो सकता है इंडिया में उसी दिन देखने मिल जाए, और A20s भी है। ये 3 स्मार्टफोन क्या एक ही दिन आएंगे ये नहीं पता, बट हाँ ये A50s तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 11 सितंबर को आपको यहाँ पे सैमसंग का A50s देखने मिल जाए। बताएं कमेंट करके आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है। और हाँ गाइस, जब बात कर लेते हैं यहीं पे हम इस फोन के बारे में, डिस्प्ले मुझे इस फोन का बढ़िया लगा, 6.4 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड पैनल है, इन्फिनिटी नॉच है, इन डिस्प्ले में सेंसर है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप देखते हैं 22,000 रुपये 20,000 में, वो भी सैमसंग की ब्रांडिंग है, सैमसंग का फोन है, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को बढ़िया है। बस परफॉर्मेंस में देखना पड़ेगा यार कि क्या होता है, वही वहाँ बाहर में तो वही अनाउंस हुआ कि एक्सोनस के 9610 के साथ आया, तो वही मुझे थोड़ा नहीं लगा ठीक, बट लेट्स सी। आप बताएं कमेंट करके आपको क्या लगता है। और सैमसंग को मैं यही बोलूँगा, सैमसंग तो बढ़िया काम कर रहा है, देखेंगे इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, डिज़ाइन कुछ नया उन्होंने दिया है, देखेंगे लुकिंग वाइज थोड़ा आप फोटो देख सकते हैं कुछ नया थोड़ा अच्छा किया है, एंड कैमराज में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट की, जैसे मैंने आप लोग बताया स्टार्टिंग में, तो कैमरा में भी यहाँ पे बढ़िया आप लोग देखने मिल जा रहा है इंप्रूवमेंट थोड़ा। एंड बात करते हैं यहीं पे अब, तो कैमरा बढ़िया है, बैटरी भी अच्छी है भाई, 4000 mAh की बैटरी है, टाइप सी है, फास्ट चार्जिंग है, 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी है, तो बढ़िया, ये भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। UI तो पता ही आप लोग, 1 UI के साथ ही रन करता है, जो बहुत ही बढ़िया है सैमसंग का। एंड कि ये है पूरा सैमसंग का A50s, सैमसंग गैलेक्सी का A50s जो हमें 11 सितंबर को देखने मिलने वाला है। और आप कमेंट कर बताओ यार आप लोग क्या इस फोन के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं, और क्या आप लोग इस फोन को बाय करोगे, तो जो कमेंट कर बता देना। वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक से रिलेटेड डेली कंटेंट लाता रहता हूं। और बताना जरूर कमेंट करके कि सैमसंग गैलेक्सी A50s आपको कैसा लगा। मुझे पर्सनल चॉइस में बोलता हूं 18-20,000 में लॉन्च होता है, बढ़िया फोन होगा, सैमसंग लवर्स के लिए बहुत ही बढ़िया डील होने वाली है, बट थोड़ा ज़्यादा वो प्राइस हो जाता है, तो वो सैमसंग को यहाँ पे देख समझ के रखना है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।